हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोगों से जिन टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, ये जैसे कि मैंने बोला था कि मैं अपना वाला 1 महीने का एक्सपीरियंस, मतलब मेरी फैमिली का और मेरा यहाँ पे 1 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला था। और बस ये वीडियो जो है ये इसी के ऊपर है कि मेरा यहाँ पे सैंटियागो चिले में 1 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैं 23 मार्च को यहाँ आया था, तो मैंने एयरबीएनबी में अपार्टमेंट बुक किया था। एयरबीएनबी का मेरा अपार्टमेंट कैसा है ये आपको पता है, इसका वीडियो लिंक भी अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद में हमने जब हम स्टार्टिंग में एयरबीएनबी में शिफ्ट हो गए, उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई हम लोगों को वो फाइंडिंग फूड, टू गेट द फूड्स, आई मीन टू से टू गेट द फूड्स। हम जो कुछ चीज़ें लेके आए थे इंडिया से, कुछ मसाले थे वो तो हमारे पास में बेसिक चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन जैसे जो चीज़ें हम नहीं लेके आए थे, जैसे चावल है, आटा है, वेजिटेबल्स है, तो ये तो हमें यहाँ से ही लेना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी हमें उस चीज़ में हुई, क्योंकि मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम सभी को फेस करना पड़ेगा। लेकिन आई एम 110% श्योर इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग ये प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे जो लोग चिले में आ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट रहे, चाहे वो एक एम्प्लॉय रहे, किसी भी कारण के वजह से अगर वो यहाँ आ रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद में वो जरूर कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ है कि हमें खाने की चीज़ कहाँ मिलेगी। तो खाने की चीज़ मिलने के लिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे सुपर मार्केट्स अवेलेबल है, यहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल होती है सुपर मार्केट्स में, जैसे कि मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएंगी जो हमारे ग्रॉसरी से रिलेटेड है, बट नॉट लाइक इंडियंस। तो हमें जो चीज़ें मिलेगी वो इस तरीके से है, जैसे आपको वेजिटेबल्स में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कैबेज मिल जाएगा, कॉलीफ्लावर मिल जाएगा, आपको कोरिएंडर लीव्स मिल जाएंगे, कैरेट्स मिल जाएंगे, कैप्सिकम मिल जाएगा, शिमला मिर्च मिल जाएंगी, जो ये बेसिक वेजिटेबल्स हमारे इंडिया में मिलती है यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी, तो आप सबसे पहले वो परचेस कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लेट्यूस वगैरह मिलता है, जो हमारे इंडिया में जैसे हम पालक बोलते हैं, मेथी बोलते हैं, तो यहाँ पे कुछ अलग वेजिटेबल्स हैं जो दिखते उसके जैसे हैं, लेकिन मैंने तो अभी तक सिर्फ एक बार ट्राई किया था, बट इट डजंट फील बैड, बहुत ही अच्छा था, लेकिन आप उसको भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी यहाँ पे थोड़ी महंगी मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम जाएगा आपको चीज़ें पता चलने, मतलब पता चलते जाएंगी। जैसे मैं 1 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी चीज़ें यहाँ की पता है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे 100% पता है, लेकिन नाउ आई कैन सर्वाइव हियर। तो चीज़ें ये होती है कि यहाँ पे जो चीज़ें आपके सुपर मार्केट्स अवेलेबल है, यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन बहुत कॉस्टली। अब ये कौन कौन से सुपर मार्केट यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो सुपर मार्केट्स अवेलेबल है जो बहुत पॉपुलर है, जैसे सांता इसाबल एक है, खुम्बो करके है, जिसको हम हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जुम्बो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे खुम्बो बोलते हैं, आप जुम्बो भी बोल सकते हैं। उसके बाद में लीडर होता है, लीडर एक्सप्रेस होता है, यूनिमार्क होता है, सोडी मैक होता है। यहाँ पे आपको ये सुपर मार्केट्स है, यहाँ पे आपको खाने पीने की सब चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो आपका कोल्ड ड्रिंक रहे, आपका वेजिटेबल्स रहे, ब्रेड्स रहे, यहाँ पे आपको चिकन रहे, मटन रहे, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएंगी। चिकन मटन की बात आ गई तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पे आपको चिकन मिल जाएगा, लेकिन मटन में आपको पोर्क मिलेगा, बीफ मिल जाएगा, आपको गोट मीट नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपका हर एक चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप को आटा कहाँ से लेना है। अब जैसे भी आप इंडिया से यहाँ पे आते हैं तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट आपको चीज़ें पता नहीं होंगी कि आपके जुम्बो कहाँ है, सांता इसाबल कहाँ है। अगर आपके पास में, आप यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट ये सांता इसाबल नियर मी, सो यू विल गेट द डायरेक्शंस। बट अगर आपके पास में कोई भी चीज़ जहाँ आप रुक चुके हैं, मतलब रह रहे हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको नेट पे सर्च करना है कि ये सब सुपर मार्केट्स कहाँ पे है, देन आपको वहाँ जाना है और ये बेसिक चीज़ें उठा लेना है। उसके बाद क्योंकि आपको यहाँ पे सब चीज़ें, यहाँ पे मेट्रो जो है, मेट्रो बेसिकली यहाँ की लाइफ लाइन है, यहाँ से मेट्रो हर एक चीज़ को कवर करता है। मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन सुपर मार्केट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे इंडिया से वहाँ चिले में आते हैं, थोड़ा टाइम निकाल के हर एक चीज़ करके आप कैसे भी इस सुपर मार्केट में पहुँच जाइए। पहला सुपर मार्केट जो है
है डॉन हैरी करके एक मिनी सुपरमार्केट है, वो एक इंडियन है। उसका जो सुपरमार्केट है वो आई थिंक प्रोविडेंशिया में है। प्रोविडेंशिया कहाँ पे है, तो आपको सेल्वाडोर के लिए मेट्रो स्टेशन में उतरना पड़ेगा। वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे इस मिनी मार्केट में गूगल मैप के थ्रू जा सकते हैं। तो इस मिनी मार्केट में आपको हर एक इंडियन चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो आटा रहे, चाहे वो दाल रहे, मसाले रहे, हर एक चीज़ जो इंडिया में मिलती है वो इस सुपर मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा कॉस्टली रहेगा, लेकिन चिले थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आपको ये थोड़ा बियर करना पड़ेगा। रेट्स मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप सोच के चलिए कि दाल यहाँ पे मिनिमम 700 रुपीज़ केजी मिलेगी, चाहे वो तुअर दाल रहे, अरहर दाल रहे, या जो भी रहे। दूसरा जो इंडियन सुपर मार्केट है वो है ला डिस्पेंसा। ये सैंटियागो आई थिंक सेंट्रो बोल सकते हैं, या स्टेशन सेंट्रल के पास में है। लेकिन यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए आपको मेट्रो पकड़ना पड़ेगा, और आपको जहाँ उतरना है वो UL, ये मेट्रो स्टेशन है, दैट इज़ यूनियो लैटिन अमेरिका। तो मैं यहाँ पे मेट्रो डिस्कस नहीं करूँगा कौन सी लाइन है, लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको ULA करके यहाँ पे उतरना पड़ेगा, और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ला डिस्पेंसा आपको गूगल मैप के थ्रू पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे भी आपको इंडियन सब चीज़ें मिल जाएंगी। आटा मिल जाएगा, मैगी मिल जाएंगी, मसाले मिल जाएंगे, हर एक जो चीज़ है वो इंडिया में मिलती है यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी। फिर भी लास्ट में यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है। उसके बाद में आपको जैसी ये सब चीज़ें मिल जाती है, आप यहाँ पे आइए, स्टे करिए, जैसे हमने किया। हमने भी इसी तरीके से किया, ये मेरा खुद का अनुभव है कि हम कैसे कैसे चीज़ों को कर रहे थे। जैसे मुझे यहाँ पे चीज़ें पता चल गया, मैंने चीज़ें वहाँ से एक लगभग 15-20 दिन का ग्रॉसरीज लेके आया था, वो अभी भी चल रहा है 1 महीना होने के बाद में भी। लेकिन जैसे जैसे मैं मार्केट घूमते गया, मतलब चलते गया, मुझे चीज़ें दिखना पसंद हो गया। तो चीज़ें होती है कि आपको यहाँ पे जैसे फुटपाथ होता है, फुटपाथ पे भी लोग बैठते हैं, वहाँ पे आपको पोटैटो ओनियन सेल करते हैं, जो सुपरमार्केट से सस्ते में आपको मिल जाएगा। अगर सुपरमार्केट में 180 रुपये किलो आपको पोटैटो मिलते हैं, तो आपको वो चीज़ें फुटपाथ पे सेम क्वालिटी एज लाइक वी गेट इन सुपरमार्केट्स, वो आपको 1000 CLP चिलियन पेसो, मतलब 100 रुपये में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये भी आप कर सकते हो। दूध आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ अलग अलग क्वांटिटी में वेराइटीज़ के दूध यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद में मैं जो चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाला था वो है यहाँ पे पानी। पानी तो आपको यहाँ पे टैपेट वाटर से पीना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको टैपेट वाटर नहीं पीना है, जैसे अभी हम यहाँ पे 1 20 लीटर की कैन लेते हैं जिसका रेट एरिया के हिसाब से होता है, तो मैंने सबसे पहले 230 रुपये की 20 लीटर की कैन लिया था, उसके बाद में 200 रुपये की लिया, फिर उसके बाद में 140 रुपये की लिया है। तो यहाँ पे अलग अलग रेट से आपको मिल जाएगा। तो ये पानी आप पी सकते हो, ये टेस्ट करेगा आपको मिनरल वाटर जैसा, तो ये आप ले सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको ला डिस्पेंसर या डॉन हैरी से आपको आटा नहीं लेना है, मैं आटा की बात कर रहा हूँ, आटा और कुछ दाल नहीं लेना है, तो ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। मैं चीज़ें घूमते गया तो मुझे पता चलती गई। तो ये सैंता इसाबल में खुम्बो में आपको एक आटा मिलेगा, उसका नाम है अरीना। यहाँ पे आटा को अरीना बोलते हैं, और उसको अरीना एंत्रगो इंतरो, मैं नाम भूल रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है स्पेनिश में है। ये आटा आपको लगभग लगभग मैं उसका पिक्चर भी आपके स्क्रीन में शेयर करूँगा, ये आटा आपको लगभग अपने इंडियन आटा जैसा मिलेगा, और 90% आपकी इंडियन रोटी आपको मिलेगी। तो हम फिलहाल यही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं ला डिस्पेंसा और डॉनेरी गया था तो वहाँ पे आटा का स्टॉक नहीं था। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे आने के बाद में मैं ये आटा यूज़ करना स्टार्ट किया, और वो हमारा नीड अभी फुलफिल कर रहा है, सो वी आर बाइंग दैट ओनली। उसके बाद में चीज़ें ये होती है कि आपका हेल्थ कॉन्शियस आप कैसे हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक है, आप सही है, तो थोड़ा आप रिलैक्स हो जाइए। चिली बहुत एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं कंपेयर करूँ मेडिसिन से या फिर हॉस्पिटल से, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं आपको हमेशा सजेस्ट किया था, मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि यहाँ से आप मेडिसिन लेके आइए जितना आप लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपको कुछ मेडिसिन इमरजेंसी में चाहिए, तो यहाँ पे फार्मेसी अवेलेबल होती है, आपको हर एक चौराहे पे स्क्वेयर्स में आपको फार्मेसी मिलेगी, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है। और मेरा एक चीज़ है कि ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया की। इंडिया की मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, यहाँ की मेडिसिन थोड़ा स्लो काम करती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मैंने मसल स्पैजम की मेडिसिन लिया था। जो मसल स्पैजम की मेडिसिन यहाँ इंडिया में 100 रुपये में आपको एक स्ट्रिप मिल जाएंगी, यहाँ पे मुझे वो 900 रुपये में एक स्ट्रिप मिली। इंडियन रुपीज़ में मैं बात कर रहा हूँ, वो 9,000 चिलियन पेसो में हो जाता है। तो एक्सपेंसिव है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। आप मेडिसिन लेके आइए जो आपकी बेसिक मेडिसिन है, अगर आप जिस तरीके से भी आप अफेक्टेड है उसका मेडिसिन आप ज़रूर अपने साथ में रखिए। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हमें जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एयरबीएनबी में रुकना पड़ेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद में आपको अपने परमानेंट अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है रजिस्टर सिविल में, जिसका जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, यहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बनता है, उसके बगैर आप कुछ भी रेंट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बोल सकता हूँ, लेकिन बुरी चीज़ इसलिए है क्योंकि ये आपको एक दिन में नहीं मिलेगा। इसका अपॉइंटमेंट होने के बाद में वो आपको 1 महीने का टाइम देंगे, उसके बाद में आपको नहीं मिलेगा। फिर भी नहीं मिलेगा, इट विल टेक अराउंड 2 to 3 months। तो 2 से 3 महीना आप एयरबीएनबी में रहना मतलब आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव होगा। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने 1 महीने का 85,000 दिया था नुनिवा के लिए, और ये जैसे आप एरिया चेंज करते जाएंगे यहाँ पे आपको बहुत कॉस्टली मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा। लेकिन सस्ता कहाँ मिलेगा, जो एरिया सेफ़ नहीं है वहाँ आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा एयरबीएनबी। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर इंडिया से आ रहे हैं तो यू ट्राई टू लिव इन न्यूनोवा, प्रोविडेंशिया, लास कॉन्डेस, ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। यहाँ पे रेसिडेंशियल है, मतलब आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बिनफिक्र रहिए, लेकिन अपने को अपनी सेफ्टी करना है, आपको बहुत अलर्ट रहना है। लेकिन ये जो एरिया मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। जहाँ मैं रह रहा हूँ ये न्यूनोवा में मैं रह रहा हूँ, और मैं अभी नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुका हूँ, तो इसका वीडियो भी आने वाला है कि अपार्टमेंट मेरा कैसा है। लेकिन अपार्टमेंट सर्च करने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि आप अपार्टमेंट कैसे सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपको आइडेंटिटी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, या फिर उसको करने बोलते हैं या फिर शेड्यूला बोलते हैं। तो मुझे अपार्टमेंट कैसा मिला ये अलग कहानी है, लेकिन आई एम वेरी लकी कि मुझे अपार्टमेंट मिल गया विदाउट करने, और मुझे मेरा अभी तक आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला। 1 महीना हो चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने बोला है कि 1 महीने के अंदर और आ जाएगा। लेकिन ये जब तक आपका नहीं बनता तब तक आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। आप ना इसमें बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ना आपकी कोई आइडेंटिटी है, बस आपका पासपोर्ट ही आपकी आइडेंटिटी है और आपका वीज़ा आपकी आइडेंटिटी है। तो लगभग मैंने आपको हर एक चीज़ बताया कि मेरा हमारा लिविंग एक्सपेंसेस कैसा रहा, खाने में सब चीज़ें मिल जाएगी। तो आज सब पेशेंस चाहिए आपको और हर एक आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताया है इसके बाद आपको तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो जो चीज़ें कहाँ कहाँ मिलेगा उसका स्नैपशॉट मैं वीडियो के एंड में, अभी यही एंड है तो मैं यहाँ पे आपको जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो चीज़ें मैंने आपको बोला था। तो ये मेरा अनुभव है, हमारा 1 महीने का अनुभव। थोड़ा सा स्टार्टिंग में सबको डिफिकल्ट होता है, लेकिन कब डिफिकल्ट होगा जब आपको चीज़ें पता नहीं रहेंगी। लेकिन अभी शायद मैंने आपको ये सब चीज़ें बताया है तो आपको ये डिफिकल्टी नहीं होगी। ये उन लोगों के लिए जो चिले आ रहे हैं इंडिया से, बाहर से भी आ सकते हैं लेकिन इंडियंस आर मोस्टली पजेसिव, उनको चीज़ें मिलती नहीं है तो थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, जैसे मैं हड़बड़ा गया था। लेकिन अभी हम सब सही है, हमारे पास में दाल भी मिलता है, दाल भी आपको ये जो सुपरमार्केट से उसमें मिल जाएगी, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूरतमंदों को शेयर कीजिए। सो दिस इज संगरत्ना साइनिंग।